तो आज हम देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे अटेंडेंस शीट किस तरह से हम बना सकते हैं। तो एक डिजिटल अटेंडेंस शीट बनाने के लिए एक नई शीट चाहिए होगी, उस पर लिखना होगा अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक है। उधर जाएंगे, सीरियल नंबर, कैंडिडेट नेम, और यहाँ पे लिखेंगे आज की डेट जैसे 1, और यहाँ पे क्लिक करके हम मंडे ले लेते हैं यहाँ पे। तो सपोज टू बी फर्स्ट डेट को मंडे है। यहाँ पे क्लिक करके हम इसको फिल में जाएंगे, सीरीज पे क्लिक करेंगे और रोज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से 31 पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये 1 से लेके 31 तक के डेट को जनरेट कर देगा। फिर मंडे को लेके जैसे ही ड्रैग करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुद ही डेज को जनरेट कर देगा। इसको लेफ्ट राइट सेंटर करेंगे, टॉप बॉटम सेंटर करेंगे, फॉर्मेट में जाके कॉलम विड्थ में इसकी विड्थ को सेट करेंगे 4 के ऊपर, और फिर यहाँ से इसको सेलेक्ट करके सेंटर करेंगे और इसको बोल्ड करेंगे। यहाँ क्लिक करके यहाँ से इसके साइज को थोड़ा बढ़ा देंगे, सेलेक्ट करेंगे, मर्जन सेंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, मर्जन सेंटर करेंगे, बोल्ड कर देंगे इसको। यहाँ से लेके सेंटर करेंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लेंगे प्रेजेंट एब्सेंट लीव सेलेक्ट करेंगे इसको, यहाँ से इसको बोल्ड कर देंगे, लेफ्ट राइट सेंटर कर देंगे, प्लस के फॉन्ट पर रखेंगे, और यहाँ से रख के इसको ऑल बॉर्डर्स करेंगे, ठीक बॉक्स बॉर्डर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, मर्ज सेंटर करेंगे, सेल स्टाइल्स में जाके टाइटल पे कन्वर्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे, लेफ्ट राइट सेंटर करेंगे, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से लेंगे इसको और सीरियल नंबर 1, 2, 3 करेंगे, यहाँ पे 4 करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको यहाँ से, एंटर करेंगे, फॉन्ट साइज पे यहाँ से बढ़ाएंगे, ऑल बॉर्डर्स करेंगे यहाँ पे, ऑल बॉर्डर्स करेंगे, थिक बॉक्स बॉर्डर करेंगे। तो ये देखिए हमारा अटेंडेंस शीट का सिंपल सा एक सैंपल तैयार हो जाएगा।